भारत कनाडा का राजनयिक संकट क्या है, फाइव आईज अलायंस जिसकी निर्जर मर्डर केस में हो रही है चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच का राजनयिक संकट थमता हुआ नहीं दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक को अपने यहाँ से निष्कासित कर चुके हैं। भारत ने कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत और कनाडा के इस राजनयिक संकट पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिका ने भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों को बेहद चिंताजनक बताया है। ब्रिटेन ने कहा कि वो कनाडा के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि ब्रिटेन ने भी ये कहा है कि कनाडा की सरकार इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। इस मामले पर और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के प्रवक्ता ने कहा, ऑस्ट्रेलिया इन आरोपों को लेकर बेहद चिंतित है और इस मामले की चल रही जांच पर वो नजर बनाए हुए हैं। हम इस घटनाक्रम पर अपने सहयोगी देशों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। हमने भारत में उच्चतम स्तर पर अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। इस मामले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की प्रतिक्रिया इसलिए मायने रखती है क्योंकि कनाडा समेत ये तीनों देश एक ऐसे समझौते का हिस्सा हैं जिसे फाइव आईज अलायंस के नाम से जाना जाता है। फाइव आईज अलायंस 5 देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का एक समझौता है। ये 5 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन 5 देशों की भाषा अंग्रेजी है। बीबीसी के सिक्योरिटी कॉरेस्पॉन्डेंट गार्डन कॉरेरा बताते हैं कि इस समझौते की बुनियादी दशकों पहले 1946 में विश्व युद्ध के दिनों में ही पड़ गई थी, लेकिन तब ये खुफिया समझौता केवल अमेरिका और ब्रिटेन के बीच था। शुरू में इसका नाम यूकेएसए एग्रीमेंट था। कनाडा 1948 में इसका हिस्सा बना था और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में इसका हिस्सा बने। उस वक्त ये समझौता कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने के लिए कोड भाषा में भेजे गए संदेशों को समझने के लिए और लगभग सभी खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए भी की गई थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा इसमें शामिल हो गए और ये समूह फाइव आईज कहलाने लगा। शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ पर निगरानी और क्लासिफाइड इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ गई थी। फाइव आईज पैक्ट को अक्सर दुनिया के सबसे सफल खुफिया गठबंधनों में शुमार किया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।